आज का लेक्चर हमारा सीरियल मॉनिटर पे है। सीरियल मॉनिटर पे काम किया आपने पहले? पता है क्या होता है ये? एलसीडी आर्डिनो के साथ, आर्डिनो आईडीई के अंदर होता है, ये एक छोटा सा फंक्शन होता है। आर्डिनो आईडीई चलें हम इसको देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास हमारा सिमुलेटर है, ठीक है, और ये वही सर्किट है जो हमने लास्ट टाइम किया था। सर मेरा हुआ था कि जब मैंने वो कोड किया था ना अर्डिनो आईडीई पे, तो बताया था ना वो जो एलईडी डिमर वो उसका बता दिया था। नहीं, आप बताएंगे बेटा, मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ। वो एलईडी डिमर में हुआ था कि एलईडी डिम ही नहीं हो रही थी या ऊपर नहीं जा रही थी, पेड़ नहीं हुई थी फेड नहीं हुई थी। उसमें, हुई थी टिंकर कैड में हुई थी, मगर आर्डिनो आईडीई में जब हमने किया, आर्डिनो में उसको लोड किया, तो फिर वो काम नहीं किया। हाँ जी आर्डिनो आईडीई के अंदर इसने काम नहीं किया, ऐसे ही है। हाँ जी तो कोई प्रॉब्लम आ रहा था, कोई एरर उसने शो किया? एरर नहीं शो किया, पर वो एलईडी वो उसको डिम नहीं हो रही थी और वो लाइट अप नहीं हो रही थी, फ्लिकर हो रही थी। ठीक वो सब फ्लिकर हो रही थी। है, ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे, उसको हम किसी और मेथड से भी करके देख लेंगे। एक चीज को करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। कोड के अंदर जब हम कोड लिखते हैं, तो पॉसिबल है कि जो काम हमने एक तरीके से कोड लिख के किया है, वो हम किसी और मेथड से भी कर सकें, ठीक है। समझ रहे हैं बात ठीक हमने? तो जो अब वो फेड वाला कोड है, उसे आपने एक दफा ट्राई करना है किसी और मेथड के थ्रू। अब वो सेकंड मेथड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको आप सर्च करेंगे, राइट। उसको आप सर्च करेंगे कि एलईडी जो हम फेड करते हैं, तो उसका जो हमने मेथड ट्राई किया है, क्या उसके अलावा कोई और पॉसिबल मेथड अवेलेबल है, ठीक है। आप उसकी करेंगे डीबगिंग। अब डीबगिंग क्या होती है, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। डीबगिंग होता है कि हमने एरर्स को तलाश करना है कि हमसे मिस्टेक कहाँ पे हुई है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं सीरियल मॉनिटर। जब हम आर्डिनो की आईडीई को ओपन करते हैं, तो एक मिनट मुझे जरा ओपन करने दीजिए आर्डिनो आईडीई को, यहाँ पे अपने पीसी पे, फिर मैं आपको शो करवाता हूँ। सर से पूछो साइज पहले भी हम चला रहे हैं कि नहीं। वो साइंस मेले पे जा रहे हैं कि नहीं? किस पे? साइंस मेले? हाँ साइंस मेले पे? किस जी दिन है वो? सैटरडे और संडे को है। सैटरडे और संडे। अच्छा, नहीं मैं उस पे नहीं आ सकूंगा, क्योंकि मेरा सैटरडे संडे एक और जगह पे जो है वो ऑलरेडी मसरूफ हूँ थोड़ा। ठीक है, लेकिन आप उसको देखिएगा, जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मुझे बताइएगा वहां पे आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। साल ठीक है, ठीक जितने भी लगे होंगे वहां पे, तो कोशिश कीजिए कि डिफरेंट स्टॉल्स पे जाएं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन लें वहां से कि जो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या क्या जो है उनके पास स्पेशलाइजेशन है। है। अच्छा, ये हमारे पास है आर्डिनो आईडीई, राइट। इसके ऊपर यहाँ जी राइट साइड पे हमारे पास ये वाला बटन होता है, नजर आ रहा है, सीरियल मॉनिटर का। नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, तो तब हमारे पास सीरियल मॉनिटर ओपन हो जाता है। लेकिन इस सीरियल मॉनिटर को ओपन होने से पहले हमारे पास आर्डिनो को साथ में लगा होना चाहिए, कंप्यूटर के साथ। अब क्योंकि मेरे साथ आर्डिनो नहीं लगा हुआ है, इसके साथ मेरे लैपटॉप के साथ, तो इस वजह से मुझे उसने ये एरर दिया कि बोर्ड एट कॉम पोर्ट 5 इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ से भी, इधर से जाके सीरियल मॉनिटर यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात आप मेरी? ठीक है।
अभी जो है हम इसको सीरियल मॉनिटर को देखेंगे अपने इस सिमुलेशन के अंदर, टिंकर कैड के अंदर, ठीक है। लेकिन आपने इसको जब आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे तो आप इसको यहां से एक्सेस करेंगे, समझ रहे हैं बात आप मेरी? वेरी ठीक है, पर गुड। मैंने जो इंस्टॉल किया वो 2.2.0 है। हाँ, ठीक है, तो उसका इंटरफेस सेम नहीं है, डिफरेंट है? उसमें वो सिलेक्ट बोर्ड है और सीरियल प्लॉटर है और सीरियल मॉनिटर, डिबग, सीरियल अपलोड और वेरीफाई, मॉनिटर की हम बात कर रहे हैं ना, सीरियल मॉनिटर तो उसमें भी है, वाले उसमें उसमें भी है ना सीरियल मॉनिटर। भी सीरियल मॉनिटर है। ठीक हाँ, तो वहां से आपने उसको ओपन करना है, ठीक है। तो है, अभी अभी जो है हम उस सीरियल मॉनिटर को इसमें टिंकर कैड में ही समझेंगे। सपोज करें यहाँ पर हमारे सामने ये एलईडी पिन है और इसको हम सेम कोड हम राइट कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, पिन मोड एलईडी पिन, और इसको हम कर देंगे आउटपुट, राइट। और यहां पर हम एक सिंपल सा ब्लिंक का कोड लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक डिजिटल राइट। डिजिटल राइट हम इसको करेंगे एलईडी पिन और इसको हम करेंगे हाई, राइट। HIG8 होता है। और हम डिले लगा देंगे यहाँ पे, तो हम 500 मिली सेकेंड्स का डिले लगा देते हैं, ठीक है। और हम करेंगे डिजिटल, ठीक मैंने कैपिटल जी डाल दिया था, राइट। करें। टेक्स्ट तो इस तरीके से हम इसका कोड राइट करके अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने सीरियल मॉनिटर को जब यूज करना होता है तो हम यहाँ पर सेटअप के अंदर पहले सीरियल को ऑन करते हैं। अब सीरियल होता क्या, पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सीरियल बेसिकली ये होता है कि ये जो हमारा पहले वो आर्डिनो है, इसको सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। ये जो हमारा आर्डिनो है ये यूएसबी के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, राइट, ऐसे ही है, ठीक है। तो कंप्यूटर ने अगर डेटा सेंड करना है इस आर्डिनो को या आर्डिनो से कोई डेटा लेना है तो वो इस यूएसबी पोर्ट के थ्रू लेगा, ठीक है। तो उस यूएसबी ठीक पोर्ट है, के थ्रू जो डेटा आ रहा होगा या जो जा रहा होगा वो डेटा देखने वो से, लैपटॉप हाँ, से आ रहा होगा, लैपटॉप से आ रहा होगा, ठीक है, या आर्डिनो ने लैपटॉप को, वो उसे करंट मिलता है हाँ आर्डिनो को। ठीक है ठीक है, करंट भी मिलता है और डेटा भी, ठीक है। करंट के साथ साथ डेटा की भी एक छोटी सी तार होती है उसके अंदर जहां से डेटा आ रहा होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो डेटा जो है, जो भी डेटा आ रहा है कंप्यूटर से या लैपटॉप से इसकी तरफ आर्डिनो की तरफ, और जो डेटा आर्डिनो से लैपटॉप के पास जा रहा है वो डेटा देखने के लिए हम सीरियल मॉनिटर यूज करते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। ठीक है। तो अब जो है उसको जब हमने यूज करना होता है तो यहाँ पे हम उसको कोड लिखते हैं सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है। इट मीन्स के इस कोड, इस लाइन ऑफ कोड का मतलब है कि भाईजान हम उसे बता रहे हैं कि भाईजान आपने जो है ना इस आर्डिनो के साथ सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देनी है। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आर्डिनो के साथ आपने जो है ना अब बातचीत स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। आपने इसके साथ डेटा लेना देना शुरू कर देना है, समझ रहे हो बात? ठीक और यहाँ पर हम इसके लिखते हैं स्पीड कि कितनी स्पीड पर ये आर्डिनो की जो है ना स्टैंडर्ड स्पीड है, मींस कि इतनी स्पीड पर ये डाटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, 9600, ठीक है। तो ये हमने लिख देना है सेटअप के अंदर, ये हमने इसे बता दिया कि हमने जो है ना अपने लैपटॉप के थ्रू डाटा सेंड भी करना है आर्डिनो को और डाटा जो है इससे रिसीव भी करना है, ठीक है। एक तो ये डाटा ना जो हमने इसे कोड लिख के अपलोड कर देते हैं, सही है, ये हम एक ही दफा अपलोड कर देते हैं, ये एक ही दफा
चले जाता है आर्डिनो के पास और दोबारा लैपटॉप से कुछ भी नहीं जाता आर्डिनो के पास। ऐसे ही है ना, अपलोड होने के बाद तो हम उसे कुछ नहीं दे सकते आर्डिनो को। लेकिन जब हम ये वाला कोड लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर हमारा कोड चल रहा है ना, ये कोड अपलोड हो चुका है, तो उसके बाद भी हमने कोई डाटा सेंड करना है तो हम फिर कर सकते हैं। अभी हम इसको करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो है ये एलईडी हाई हो गई है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है हम एक लाइन यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, सीरियल डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम कह देते हैं जी एलईडी इज ऑन। अब ये जो डाटा है बेसिकली एलईडी इज ऑन, ये आर्डिनो हमें सेंड करेगा हमारे लैपटॉप को, और हमारा लैपटॉप इसको डिस्प्ले करवा देगा सीरियल मॉनिटर के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर ये वाली लाइन चली है तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर वाली लाइन भी चल रही है। समझ रहे हो बात मेरी? ठीक ठीक है ना। तो इस तरह हमें पता चल सकता है कि हमारे कोड में कोई एरर है या नहीं है। अगर एरर होगा तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी ना, इससे ऊपर अगर एरर होगा तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। अगर हम इस लाइन को एंड पे लगा दें यहाँ पे इसके बाद, और यहाँ पे लिखते हैं एलईडी इज ऑफ, तो यहां तक ये वाली लाइन तब चलेगी ना जब इससे ऊपर वाली सारी लाइनें चल गई होंगी। समझ रहे हो बात मेरी? ठीक ठीक है ना। तो इसके थ्रू हमें ये भी पता चल सकता है कि एरर जो है वो कोड के अंदर है या नहीं है। अब हम इसको अगर चलाएंगे तो ये देखो यहाँ पे जो है नीचे, मैं जो है आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे जो है नीचे ये सीरियल मॉनिटर का बटन है, इस पे अगर हम क्लिक है। करेंगे तो जो भी डाटा वो हमें दे रहा होगा वो हमें नजर आएगा। इट्स टाइप ऑफ जैसे पाइथन में आप आउटपुट करवाते हैं ना हमको इसे, टाइप हाँ टाइप टाइप ऑफ अ कंसोल टाइप ऑफ कंसोल, कंसोल एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो वो कंसोल पे शो करवाएगा, जब एलईडी हाई होगी ये वाला कोड चलेगा तो उसके बाद इस कंसोल पे सीरियल मॉनिटर पे वो शो करवाएगा एलईडी इज ऑन, राइट। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन अभी के लिए हमने एलईडी इज ऑन यहाँ पे प्रिंट करवाया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पाइथन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, सही है। तो ये सेम उससे उससे जो है ना सिमिलर है, उससे मिलती जुलती स्टेटमेंट है। यहाँ पे स्टार्ट करो और अब देखो जरा एलईडी इज ऑन, एलईडी इज ऑफ, जब ये ऑन होगी तो एलईडी इज ऑन डिस्प्ले होगा और जब ये ऑफ होगी तो एलईडी इज ऑफ डिस्प्ले होगा। समझ रहे हो बात मेरी? अच्छा इलम, अब आप ऐसा करें, मैं आपको इसकी एक्सेस देता हूँ, आप ऐसा करें इसका जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है वो उलट कर दें। जब एलईडी हाई हो तो हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए एलईडी इज ऑफ, और जब एलईडी लो हो तो हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए एलईडी इज ऑन, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा उलट कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं हम इसे। चलें अब आप मुझे जल्दी से करके दिखाएं, इसका कोड एडिट करें जल्दी से। इसका डिले थोड़ा सा ज्यादा कर दें फिर हमें सही से पता चलेगा। डिले 500 है, ठीक ये जो डिले है ये एलईडीज का जो डिले है ऑन ऑफ का, ये 500 है, इसको आप 1500 कर दें। ₹1500 जी हाँ, सीरियल मॉनिटर बोल। अब सीरियल मॉनिटर ओपन करें,
अब आप देखें, जब वो ऑफ होगी तो वो हमें एलईडी ऑन डिस्प्ले करवाएगा, और जब वो ऑन होगी तो वो एलईडी ऑफ डिस्प्ले करवाएगा। ऐसे ही हो रहा है, लो के बाद एलईडी ऑन डिस्प्ले करवाते हैं ना। राइट। ठीक अच्छा, आप ऐसा करें, अब आप एक एलईडी जो है और ऐड करें इसके साथ, और उसका भी स्टेटस जो है वो डिस्प्ले करवाएं सीरियल मॉनिटर के थ्रू। के थ्रू क्या करना है? एक और एलईडी को साथ कनेक्ट करें और उसके ऊपर भी ब्लिंकिंग लगाएं, और उसको जो है उसको और ये जो एलईडी ये वाली है मैं तो टाइप ऑफ इसको भी सीरीज वाला इसको इसको इस पिन पे लगा रहने दें, उसको न्यू पिन पे लगाएं। आपने इफ कंडीशंस पढ़ी हैं? पाइथन में ओनली, पाइथन में पढ़ी है। अब हम इसको यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक पाइथन में पढ़े हैं। है? अच्छा, अपने सेकंड एलईडी को प्रोग्राम ना किया हमने, पिन नंबर 9 को प्रोग्राम नहीं किया हमने, तो हम उसको पहले पिन मोड लगाएंगे ऊपर सेटअप के अंदर। अच्छा, राइट। इसके एंड पे सेमी कोलन लगाए, सेमी कोलन, ठीक है। अब आपने करना यह है, आपने यहाँ पे अल्टरनेट ब्लिंकिंग करनी है, ठीक है? जब पिन नंबर 10 की एलईडी हाई हो तो पिन नंबर 9 की एलईडी को लो होना चाहिए। इस तरह से इसको प्रोग्राम करें। ठीक है। सेमी कोलन नहीं डाला आपने, हर लाइन के बाद वो सेमी कोलन क्यों डालना पड़ता है? सेमी कोलन हमें बताता है कि लाइन एंड हो गई है, ठीक है? हमने जो कोड लिखा है, जो हमने लाइन ऑफ कोड लिखी है, वो यहाँ पे एंड हो गई है। पाइथन में हमें नहीं डालना पड़ता, लेकिन सी लैंग्वेज में हमें लिखना पड़ता है। डिजिटल का डी हमारे पास स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। सेमी कॉलन। ओके, गुड। अब इसको जरा छोड़े, अब मैं आपको थोड़ा इसको एक साइडन बना लेते हैं विदाउट साउंड। चलें, ये ठीक है, साइरन बन गया। चलें, अब मैं आप, विदाउट साउंड ठीक है, अब इसको छोड़े, अब इसको छोड़े, मैं आपको बताता हूँ एक और चीज। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाते हैं। अब आपने गौर से इसको ना देखना है, इफ कंडीशन बड़ी मजे की हम यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, बस इफ होता है ना, आई एफ और उसके बाद हम की ये लगा सकते पैरामीटर। हैं। अब यहाँ से गौर से देखना आपने, अब हम इफ कंडीशन अगर लगाएंगे अर्डिनो के अंदर, तो इफ कंडीशन में हम ये कर सकते हैं
जैसे हमारे पास डिजिटल राइट फंक्शन है, इस तरह हमारे पास एक डिजिटल रीड फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम इफ के अंदर लगा सकते हैं कि इफ डिजिटल डिजिटल रीड जो है वो हमें बताता है कि एक एलईडी जो है वो हाई है, एक एलईडी मैं कह रहा हूँ, एक पिन जो है उसके ऊपर सिग्नल इस वक्त हाई है या लो है, ठीक है। तो हम डिजिटल रीड करवाते हैं कि इफ डिजिटल रीड और पिन नंबर जो है 9, इफ डिजिटल रीड पिन नंबर 9 इज इक्वल इक्वल टू लो, ठीक है। अगर तो इसका सिग्नल लो है तो उस वक्त जो है ये हमें डिस्प्ले करवाए, उस वक्त हम इसमें डिस्प्ले करवा देते हैं एल्स भी है ना, एलईडी एल्स 9 इज ऑफ, एल्स भी है, एल्स भी है, ठीक है। एल्स सब एक ही एल्स होता है ना, सब सारे इफ एल्स जो है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, एल्स, और सब उसके बाद लैंग्वेजेस में ब्रैकेट नहीं होते हैं, होते सबका या सब होता है। एल्स होते हैं जैसे हमने ये यहाँ सब पे पाइथन में ब्रैकेट होते लगाया हैं। ना, जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया ना, इफ के आगे ब्रैकेट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर हम एलिफ का नहीं बता रहा, एल्स का बता रहा। एल्स के आगे भी ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। वो उसमें कुछ भी नहीं होता, पाइथन नहीं वो हमारे लिए अगर हम इसमें में लिखना है। सिर्फ एल्स और कॉलन होते हैं, पाइथन में सिर्फ एल्स और कॉलन होते हैं और बाकी कोड। अब सी के अंदर थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती है ना, थोड़ा सा चेंज होगा ना, जब हमारे पास लैंग्वेज चेंज है तो थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने कंडीशन लगाई है कि अगर 9 पिन जो है वो लो है तो ये वाला सीरियल, ये वाली चीज हमारे पास डिस्प्ले होगी, अगर 9 पिन लो नहीं है तो ये हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये वाला सीरियल, ये वाला हम सेंटेंस यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये वाला सीरियल डॉट, हाँ ये इसको हम ऑफ रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये वाला सीरियल भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास एक ही सीरियल वाला सेंटेंस है, ये तभी कंसोल के ऊपर सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होगा अगर ये वाली इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। चलें अब आप इसकी सिमुलेशन स्टार्ट करें, पहले हम सीरियल मॉनिटर को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर करेंगे तो ये सारा इरेज हो जाएगा। अब आप इसकी सिमुलेशन स्टार्ट करें। कुछ नहीं आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, एंड अच्छा, इसकी का सिमुलेशन बताओ। स्टॉप करें और वहां पे जहां पे हमने लो लिखा है ना, आई थिंक वहां पे ना जीरो आएगा शायद, डिजिटल रीड जो है वो जीरो और वन को रीड करता है, लो को रिमूव करके वहां पे जीरो लिखें। दूसरी साइड पे इक्वल टू के राइट साइड पे, जहां पे हमने लो लिखा हुआ है ना, इक्वल टू के राइट साइड पे इस लो को रिमूव करके जीरो कर दें। ठीक है, ये हाँ यहाँ पे जीरो लिखे, ठीक है। अब इसको रन करें, ओके अब ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो जब ये जीरो रीड करेगा, जीरो मींस लो एंड वन मींस हाई, समझ रहे हैं बात मेरी। जब ये पिन नंबर 9 को लो रीड करेगा तभी ये उसको प्रिंट करेगा। ठीक अब इसको जीरो को वन करें, चेंज करके देखें, जीरो को वन करें। जाएगा अब कि जब कर वो रेड वाली एलईडी ऑन होगी तो फिर वो कहेगा एलईडी 9 इज ऑफ। आप इसको वन करें फिर देख। अब इसको क्लियर कर लें, पहले सीरियल मॉनिटर को क्लियर कर लें, जो नीचे है इसको क्लियर कर लें। अब इसको रन करें, अब कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं कुछ होगा इलम? अब आप बताएं मुझे जरा, क्यों कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं हुआ, सब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया नहीं हुआ। ना, कंडीशन फॉल्स हो गया ना। कंडीशन ये है कि अगर वो 9 पिन जो है वो हाई होगी तो ही वो डिस्प्ले होगा ना। 9 पिन को हमने वन किया है ना, वन मींस हाई, ठीक है। अगर वो हाई होगी तो ही वो चलेगा ना, तो ऊपर तो लाइंस पे वो लो है ना,
हाई तो नीचे जाके हो रहा है, समझ रहे हैं बात मेरी? हाई तो वो नीचे जाके हो रहा है ना। ठीक अब नीचे जाके जहां पे हमने नीचे उसे हाई किया है, बल्कि आप ऐसा करें, डिजिटल रीड हम 9 पिन को करवा रहे हैं ना, कट पेस्ट करूँ। अब 9 की बजाय उसको 10 करें। जब हम 10 पिन को बंद करवाएंगे तो तब ये प्रिंट होगा, क्योंकि 10 पिन हमारे पास हाई है। इसको 10 करें ना दादा, स्टॉप करें सिमुलेशन को, पहले पहले सिमुलेशन को स्टॉप करें। अब इसको 9 की बजाय 10 कर दें, या वो वेरिएबल का नाम लिख दें एलईडी पिन। ठीक है, नीचे स्टेटमेंट भी चेंज कर दें। हमने लिखा एलईडी 9 इज ऑफ, उसको चेंज कर दें। जो सीरियल डॉट प्रिंट एलएन में स्टेटमेंट है, देखो अब ये तब प्रिंट होगा जब हमारे पास 10 नंबर एलईडी ऑन होगी। उसकी स्टेटमेंट चेंज करें ना, वहां पे हमने एलईडी 9 लिखा हुआ है, वहां पे लिख दें एलईडी 10 समथिंग, कुछ इस टाइप का। आप ऐसा करें, आप लिख दें इलम इज अ गुड बॉय, राइट? या ऐसा एलईडी 10 इज नॉट ऑफ, या भी एलईडी 10 इज ऑन। अरे ठीक अब सिमुलेशन को स्टॉप करें, सिमुलेशन को स्टॉप करें। ठीक है, अब छोड़ें, 1 मिनट छोड़ें, छोड़ें इसको, कर्सर को छोड़ें, कर्सर को छोड़ें। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे एलईडी 10 इज ऑन, राइट? इफ एलईडी 10 इज इक्वल इक्वल टू 1, इफ एलईडी नंबर 10 इज इक्वल टू हाई, देन इट मीन्स वी शुड डिस्प्ले एलईडी 10 इज ऑन, राइट? समझ रहे हैं बात आप? ठीक है, तो हम ये खुद से ये हमने डिस्प्ले करवाना होता है। तो हम यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और राइट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वी शुड डिस्प्ले राइट इन्फॉर्मेशन। अब हम रन करेंगे तो अभी हमें बताएगा कि अभी एलईडी नंबर 10 ऑन होगी, ब्लू वाली, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा एलईडी 10 इज ऑन, राइट? अब आप इसकी सिमुलेशन स्टार्ट करें और नीचे एक और इफ कंडीशन लगाएं इससे सिमिलर, जहां पर हमने डिजिटल राइट 9 को हाई करवाया, उसके नीचे इफ कंडीशन लगाए, इफ पिन नंबर 9 इज हाई, देन डिस्प्ले दिस कोड इज वर्किंग। ठीक है, इस टाइप कोई डिफरेंट सेंटेंस डिस्प्ले करवाए वहां पे। डबल इक्वल टू आएगा, डबल इक्वल टू लिखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ब्लॉक स्टार्ट करें ना, इफ का ब्लॉक स्टार्ट करें। क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगाएं इसकी। सीरियल, ठीक है, लिखते एज हैं। कैपिटल होना चाहिए। एस कैपिटल होता है इसका। ठीक है, वहां पे आगे सेंटेंस प्रिंट करवाए हैं इसके आगे, अपना नेम प्रिंट करवाए यहाँ पे। चलें, दिस इज गुड। क्लियर कर लें मॉनिटर को, क्लियर कर लें सीरियल मॉनिटर को।
ये ऊपर क्या डिस्प्ले कर रहा है? पहले गेट 28263, व्हाट इज दिस? अच्छा, ये अब क्यों डिस्प्ले हो रहा है? अब आप मुझे बताएं आपने क्या मिस्टेक की है। ऊपर वाली सीरियल डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट को देखें और नीचे वाली सीरियल डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट देखें, गौर से देखें उसको। कोड मार्क्स वो क्या सी, वो क्यों सी प्लस प्लस को डबल कोट चाहिए होते हैं? ये C++ का एक लिखने का तरीका है, ठीक है, कोड लिखने का स्टाइल है C++ में या सी लैंग्वेज में। पाइथन में दोनों कोट्स यूज कर सकते हैं, तो पर सी प्लस प्लस में क्यों नहीं कर सकते? पाइथन का जो स्टाइल है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे बहुत सी चीजें हैं ना जो हम एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और उर्दू, ठीक है। कुछ चीजें हम उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में वो चीजें काम नहीं करती। ऐसे है कुछ रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे जो उर्दू लैंग्वेज में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, ये रूल्स हैं। सी लैंग्वेज में कुछ रूल्स हैं जो पाइथन में नहीं चलेंगे, पाइथन में कुछ रूल्स हैं जो सी लैंग्वेज में नहीं चलेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक गुड, तो ये हमारा सीरियल मॉनिटर के ऊपर था। और अब जो है, इफ कंडीशंस आपने देख ली है ना, हम इसको थोड़ा सा कंपाउंड इफ कंडीशंस भी देखेंगे, जिसमें हम दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। ये जो अभी आपने ओपन किया है, इसको हम सीरियल प्लॉटर कहते हैं। सीरियल प्लॉटर क्या करता है? ये ग्राफ ड्रा कर देता है वैल्यूज का, जो वैल्यूज सीरियल मॉनिटर में हमारे पास डिस्प्ले हो रही होती हैं, तो उनका एक ग्राफ बना देता है, ठीक है। ग्राफ प्लॉटर। सीरियल प्लॉटर भी उसके अंदर आईडीई के अंदर अवेलेबल है, दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। आईडीई में सीरियल मॉनिटर भी है और सीरियल प्लॉटर भी है। तो आप अभी सीरियल मॉनिटर पे काम करेंगे, उसको चेक करेंगे। प्लॉटर को आप देख सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं कि प्लॉटर क्या है। हम उसको अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ठीक ठीक है ना। सो ठीक है, इलम, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। अब जो है हम इसकी असाइनमेंट पे आएंगे। आपके एग्जाम्स कल को एंड हो रहे हैं ना? कल गुड, तो कल किस चीज़ का पेपर है? लास्ट एग्जाम, किस चीज़ का कल वो पेपर? लास्ट टेस्ट है, ठीक है, एग्जाम याद। सलाम याद, ठीक है, गुड। तो उसके बाद जो है आप इसको असाइनमेंट, जो आपकी लास्ट वाली असाइनमेंट है, आर्डिनो फेड फेड एलईडी, राइट, जिसमें एरर आ रहा था, ठीक है, उसके ऊपर आप सर्च करेंगे। और सर्च करके जो जो भी आपने सर्च किया होगा, आप मुझे वो ईमेल करेंगे, ठीक है, कि मैंने यहाँ यहाँ से इन इन लिंक से सर्च किया और ये वाले कोड मैंने ट्राई किए, राइट। एटलीस्ट दो कोड आप ट्राई करेंगे। और उसके बाद ठीक सेकेंड असाइनमेंट आपने करनी है, वो सीरियल मॉनिटर की है। यू शुड एक्सप्लेन अबाउट आर्डिनो आईडीई, सीरियल मॉनिटर एंड इट्स यूज, राइट। व्हाई वी यूज सीरियल मॉनिटर, हम क्यों यूज करते हैं? अभी हमने देखा है, क्यों यूज करते हैं हम सीरियल मॉनिटर को? है, सीरियल मॉनिटर को यूज करते हैं कि अगर कोई अगर कोड काम कर रहा है, अगर वो डिस्प्ले नहीं करेगा तो फिर वो, उसका मतलब है कि कोड नहीं काम कर रहा, अगर डिस्प्ले करेगा तो फिर वो काम कर रहा होगा, वो प्रिंट एलन से। जैसे हम पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, ऐसे ही हम आर्डिनो के अंदर सीरियल डॉट प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो सीरियल मॉनिटर के ऊपर ठीक है, आप वीडियो क्रिएट करेंगे और आप इसके ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद आप मुझे ईमेल कर देंगे, राइट। ये व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा दोनों स्लाइड्स असाइनमेंट्स में। जी, मैं कर दूंगा। मैं बल्कि इसको जब इसकी अभी थोड़ी देर में इसकी वो रिकॉर्डिंग जो है वो तैयार हो जाएगी, जैसे ही रेंडरिंग वगैरह उसकी हो जाएगी, तो मैं उसे अपलोड भी कर दूंगा, ओके, थैंक यू। ठीक है।
ठीक ओके, है, खुदाफिज। अल्लाह हाफिज। कर ली।